हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। और थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को ये भी कह सकती हूँ, डेविल अटैक्स हुए हैं नाइट से, ज़बरदस्त आपको हेडक पेन हो सकता है, कुछ ड्रीम में आपको डेविल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब कि डेविल आपको रेप करते हुए नज़र आ सकते हैं या ट्रिगर करते हुए नज़र आ सकते हैं, कुछ ऐसे सीन जो आपके कार्मिक हैं उनके रूप लेके आपके साथ कुछ भी नेगेटिव करने की कोशिश, या आपको नेगेटिविटी में इतना अगेंस्ट कर दिया जा सकता है अपने डीएम के अकॉर्डिंग भी, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भाभी जो भी कह सकते हैं, उनका रूप लेके भी कोई ट्रिगर ऐसे नेगेटिव थाट्स आपके माइंड में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि नाइट से बहुत ज़्यादा क्राउन इफेक्टेड हुआ है, अटैक हुआ है और कुछ कर्मा रिलीज़ भी हुआ है, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि एक ऐसा पैटर्न है जो शायद आपकी एक कर्मा रिलीज़ करवाया गया, लेकिन वो अटैक के तौर पे, ठीक है, वो अटैक होना ज़रूरी था लेकिन वो ब्लेसिंग में चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी अलर्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, ये हर किसी के साथ शायद रेजोनेट ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी क्रिएशन है जहाँ पे अगर अटैक भी हुआ है तो वो पॉजिटिव होने के लिए किया गया, मतलब कि इस तरीके से कि आप वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो गए, लेकिन हाँ इफेक्टेड आप रहोगे उस अलर्ट, मतलब पेन से बच नहीं पाओगे, ये क्राउन की शायद क्लिनजिंग भी कह लो या एक कर्मा रिलीज कह लो, किसी को मुक्ति दिलाई हो आपने किसी के आपका ऐसे बिहेवियर से, वो अब आपको आपका ड्रीम ही बता सकता है कि आपका क्या हुआ है, ठीक है जी। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर है, अलर्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे कुछ चेंज ला रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ताकि आपकी आपको प्रायोरिटी लेवल पे आपको स्टैंड करवाया जाए, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, ठीक है, जो अभी तक शायद हो सकता है ना कि प्रायोरिटी उनको आपकी एक ऐसे लेवल पे उनको जीरो कर दिया जाएगा जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ होगा, मतलब कि जिस पॉइंट को लेके आप लोगों का हमेशा क्राइसिस रहता हो या कमी रहती हो या एक कोड डिपेंडेंसीज में रहते हो एक दूसरे के ऊपर, वो चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ करवाने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से। प्लान है डिवाइन का कि यहाँ पे आपकी वैल्यू करवा के आपको बहुत ऊपर, आपको आपकी पावर से आपके पार्टनर को अवेकनिंग करवाई जाए, ये मैं कहूँगी राइट नाउ, ठीक है। तो कहीं जहाँ जहाँ आप स्टक थे वहाँ वहाँ आपकी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के फेस रिवील हो रहे हैं, बाय ड्रीम कह लो बाय डेविल कह लो, चाहे आपके सामने ट्रिगर करवा के किए जा रहे हों, कुछ यहाँ तीनों सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जब भी आपको कन्फ्यूज़न लगे वीडियो को 3 से 4 बार देखो, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पुट करने से अच्छा उस चीज़ को समझो, क्योंकि हम लोग भी बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है हमें भी कई बार चीज़ों को, क्योंकि आपको समझाने के लिए अब एक क्वेश्चन के अंदर हम इतना बड़ा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ये होता है कि कन्वर्सेशन पूरी की जाती है और इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए, कितना मुश्किल होता है आप लोगों को समझाना, या फिर हर जो भी आप DFDM जो भी सुन रहे हो, हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग लेवल से अपना सोच होती है, ठीक है, कोई किस तरीके से सोच रहा है, कोई किस तरीके से समझ रहा है, सबकी अपनी अपनी समझ है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के लिए 3 से 4 बारी देखो, बेटर ये रहेगा। हम लोग तो आपको इतना बड़ा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर ही इतना बड़ा होता है, आपको आपको क्या समझाएं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना देखो कि मैं कितना समझ पा रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो जी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन स्टेट में आपके पार्टनर को भी डाला जाएगा, इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, इरिटेशन भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे आपस में भी हो सकता है, नहीं तो आपकी थर्ड पार्टी के साथ करवाए जा सकते हैं, क्योंकि कर्मा रिलीज़ करवाना है इंस्टा मेन, कहो कर्मा रिलीजिंग का टाइम चल रहा है। थर्ड पार्टी की नज़र तो पूरी रहती है, आपको थर्ड पार्टी को लेट गो करने का टाइम चलता आ रहा है, मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि यहाँ पे चीज़ें रिलीज़ हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पैटर्न के डिमेंशन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है, जब कर्मा बैगेज बढ़ता है और आपकी प्रायोरिटी का टाइम है, ये प्रायोरिटी दिलवानी है आप डिवाइन ने, आपको जस्टिस देना है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, चाहते हो कि मेरा सेपरेशन एंड हो, तो इनर वर्क कर लो, इनर वर्क पे ध्यान दो, क्योंकि आप इस टाइम आपके डीएम को पावर में आने की जरूरत है, वो आपसे ही आएगी, जब तक आपकी आपके देखो डिवाइन आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपके सामने आपको आपके डीएम की नज़रों में इतना उठा रहा है कि उसको जीरो लेवल पे कर दिया गया, चाहे फाइनेंसली हो, रिलेशनशिप हो, या किसी भी टाइप का यहाँ पे
अगर मैं कहूँ जीरो कर दिया गया है, तो मतलब कि आपके आपकी पावर और प्रायोरिटी देने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप क्या कर सकती हैं अपने डीएम के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट वे या डायरेक्ट वे की बात करो तो आप उनके सपोर्टिव होते हो, इतना लव प्यार करने वाले होते हैं उनको आपकी वैल्यू करवाने के लिए, कि आप जैसा प्यार केयरिंग कोई नहीं कर सकता, ये सब दिखाने के लिए ही यहाँ पे डिवाइन का क्रिएशन हो रहा है। आपके डीएम को अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं और थोड़ा सा होता है कि पावर में नहीं आ रहे होते, कई बार डीएम ऐसे भी होते हैं कई जो सब कुछ साथ में होते हैं लेकिन उनके ऊपर हिम्मत नहीं होती है, पावर नहीं होती है, वो पावरलेस होते हैं, लेकिन आपके साथ वो एक्शन लेने में हमेशा डरते हैं, लेकिन होते आपके साथ ही हैं। ऐसे भी डीएम होते हैं अवेकन होने के बावजूद भी, ठीक है, तो वो कहाँ से स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर से। तो यही चीज़ जो अब चल रहा है ना, जो एक्शन नहीं ले पा रहे ना डीएम, उन्हीं के लिए काम चल रहा है। तो ये सारा जून का जो आपका 6-6 पोर्टल आ रहा है, वो इसीलिए इसी बेस पे बना हुआ है। आपके पार्टनर को उस कर्मिक चीज़ों से निकाला जाएगा, जो जहाँ जहाँ आपको प्रायोरिटी नहीं मिली ना, वहीं पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये वही सिनेरियो है, ये अब इसी क्रिएशन हो चुकी है, ठीक है जी। थोड़ा सा समझना है, 6-6 पोर्टल आपको आपके डीएम को कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए है। वो दलदल में फंसे हुए हैं जिन चीज़ों को लेके वो बहुत प्रायोरिटी या अपने आप को इतना डेडिकेट करते हैं कि उनको दिखना ही बंद हो जाता है। अब उनको अकेला छोड़ा जाने वाला है यहाँ पे आपका वैल्यू कराने के लिए, जब वो डीप लेवल पे आपके बारे में सोचने को मजबूर कर दिया जाएगा कि मेरे डीप ने मेरे लिए क्या किया और इन्होंने मेरे लिए किया, और मैं इन्हीं लोगों के चक्कर में अपने डीप को कभी वैल्यू नहीं कर पाया। वो सब आज इस टाइम ये जून के मंथ में क्रिएशन होने वाली है। डेविल अटैक होने तय हैं, क्योंकि जिनके बैक से मैंने बोला था जिनके यूनियन होने हैं मई के वाले, तो वो 6-5 तक तो रहेंगे रहेंगे, पोर्टल का असर रहने वाला है, इसीलिए अभी न्यू बिगनिंग का भी टाइम है और साथ में ये सिनेरियो चलेगा। तो जिनका भी डेविल अटैक हो सकते हैं यूनियन रोकने के लिए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और साथ में जिनको 6-6 पोर्टल बुक करवाना हो वो जरूर करवाइएगा। इस पोर्टल में ये न्यू क्रिएशन होगी इस टाइम की, आपको गोल्डन ये ड्रैगन का आपको जो पैटर्न मिला है, ये मदर अर्थ से रिलेटेड होगा, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम ये हीलिंग आई है और ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये बल्कि आपके जो होते हैं ना कि अंडरग्राउंड के हमारे डायमेंशन होते हैं, 13 डायमेंशन हमारे होते हैं नीचे के, इसी को हम पाताल लोक बोलते हैं, तो ये उनका डायमेंशन चल रहा होता है और उसमें आपको पावर मिलती है मदर अर्थ से, और आप भी उनकी मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी यही इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है अर्थ के ऊपर, आप उसको उनकी हेल्प कर रहे हो, मदर अर्थ को अपनी एनर्जी दे के आपको भी पावर मिलती है, बैक मिलता है आपको वहाँ से रिटर्न बैक। तो ये सब पावर लोगे तभी आप यहाँ पे स्ट्रांग अपना नीचे जो आपके नीचे के डायमेंशन वो अचीव कर पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिनको शायद नहीं समझ आएगी वो तो बोलेंगे बोलेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, गलती करते हो आप समझते नहीं हो हम लोग आपके लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं, और सब डिवाइन की तरफ से मिलता है, हम कुछ नहीं करते, हमें काम मिलता है, हम आपके सामने काम लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, वो सामने बोलते हैं, ठीक है। जिनको लेना हो वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और 14 डायमेंशन आपको मिल रहा है, ये भी पताल का ही है, ये भी डायमेंशन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये भी, लेकिन आपके डीएम के ऊपर काम है। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर उस कार्मिक लोगों के बीच में से निकलें, तो ये पोर्टल आपके लिए बना हुआ है, ठीक है जी। मदर अर्थ के लिए और आपके डीएम के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो ये पोर्टल आपके लिए है, ठीक है जी। तो फिलहाल अब तक की थी यार ये अपडेट, फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।